विधानसभा थाना इलाके में डीपीएस स्कूल के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के मुताबिक बस में क्षमता से अधिक यात्री सवार थे। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड से राजधानी ट्रेवल्स की एक बस बलौदा बाजार जाने निकली थी। जैसे ही बस डीपीएस के निकट पहुंची कि अचानक बस अनियंत्रित होकर मुख्य मार्ग में लोक निर्माण विभाग के बोर्ड से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोर्ड में लगे लोहे का खंभा भी मुड़ गया। हादसे में बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन इस हादसे में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मुख्य मार्ग में हुए हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। क्लिपर 28 के लिए कैमरा पर्सन होरीलाल के साथ श्रीकांत यादव की रिपोर्ट। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.